हेलो दोस्तों, लिमिट फाइंड करने जा रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना तो ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन जीरो माइनस वन। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो साइन जीरो यानी साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो हमारा क्या होता है, वन। यानी अगर जीरो पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वन। और ये माइनस का वन दे रखा है, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो लॉ हॉस्पिटल रूल कर लगा सकते हैं, दूसरा हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक रिजल्ट होता है हमारा कि वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इस पे ये हमारा क्या आता है, वन बाई टू। यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिख देते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, और फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला एक्सपेंशन हमारा किस टाइप में हो जाएगा, माइनस का वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू माइनस एक्स की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर। अब वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो पहला वाला उसमें टर्म क्या बचेगा, वन बाई टू, फैक्टोरियल टू कहेंगे चाहे टू कहेंगे, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं किस तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में अगर ना है तो वन माइनस कॉस साइन एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या है, साइन एक्स है, तो नीचे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स से हमने डिवाइड किया है तो हम इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है हमारी, वन बाई टू, इसकी क्या होती है, वन, तो ये हमारा आ जाएगा वन बाई टू, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब अगर मैं लॉ हॉस्पिटल से देखूं इसको, तो लॉ हॉस्पिटल से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्स टेंस टू जीरो, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन एक्स, यानी साइन एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशियल वन होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा हमारा, कॉस एक्स माइनस का वन यानी ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू एक्स। ये तो हमारा फर्स्ट डेरीवेटिव निकल आया। अब हम इसका सेकेंड डेरीवेटिव निकाल लेते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि चूंकि अभी भी हमारी ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, साइन जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, अपॉन जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन जीरो वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस का साइन साइन एक्स, और ये कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि प्लस यहाँ पे माइनस पहले से दे रखा है तो ये अंदर माइनस आ जाएगा, तो कॉस एक्स, और साइन साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा हमारा, कॉस एक्स साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स टेंस टू ज़ीरो पे ये क्या आ जाएगा हमारा, ये अगर मैं लिमिट रख ही देता हूँ सीधे तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये इन टू में ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये भी हमारा वन हो जाएगा, ये भी हमारा वन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का वन बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने गलत गड़बड़ क्या की थी, यहाँ पे कॉस साइन एक्स माइनस वन दिया था, ठीक है, हमने उसको वन माइनस कॉस साइन एक्स लिखा था, लेकिन हमने इसमें माइनस नहीं लगाया था, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, और ये हमारा आ जाएगा माइनस का वन बाई टू, तो हमारा आंसर सेम आएगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।